बागेश्वर उपचुनाव का प्रचार आज थम जाएगा। प्रचार के अंतिम चरण में भाजपा ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में सीएम पुष्कर धामी ने काफिल गैर में जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बागेश्वर के लोगों ने पार्वती दास को एक तरफा विजय दिलाने की ठान ली है। स्वर्गीय चंदन राम दास ने बागेश्वर के विकास के लिए अहम कदम उठाए थे। कई योजनाएं धरातल पर उतर चुकी हैं। दास के शुरू किए गए जो कार्य अधूरे हैं उनको पूरा करना सरकार की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को देश की जनता और गरीबों से विशेष लगाव है और बागेश्वर में भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। जिनको पता भी नहीं था कि उनके सामने इतनी बड़ी विपत्ति आ जाएगी और अचानक चुनाव में खड़ा होना पड़ेगा और आप सब लोगों को उनको समर्थन करने के लिए अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सबकी बेटी भतीजी बहन की आप देख ही रहे थे किस प्रकार से वो अपना भाषण भी पूरा नहीं बोल पाए। कितनी बड़ी विपत्ता आई उनके ऊपर, कैसे उनके दिल कट रहे होंगे। अचानक साथ छोड़ के चले गए और इन चुनाव में पार्टी ने चंदन रामदास जी के जो काम थे, जिन कामों को उन्होंने शुरू किया था, जिन कामों को उन्होंने सोचा था, जो उनके सपने थे, उनको आगे बढ़ाने की, उनको पूरा करने की जिम्मेदारी इनके कंधों पर आ गई है। हमारी प्रत्याशी आप सबकी बेटी अपने मायके में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए, आप सबका समर्थन लेने के लिए, आप सबका मत और आपका आशीर्वाद पाने के लिए आप सबके बीच में आई है बहन पार्वती दास। ये चुनाव बहुत कठिन समय में और एकदम अचानक जैक बार में पहले सोच रहे ना कि हम एक साल बाद फिर चुनाव में उनको और अचानक चुनाव, ये बहुत ही, ये चुनाव कोई खुशी चुनाव ना था, ये चुनाव बहुत दुखों का चुनाव था। देख लीजिए कि चंदन रामदास जी खुद ये क्षेत्र का हगल बड़ूना ही लगातार दिन रात बहुत मेहनत कर सकते, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, एक से एक हमारे वहाँ खटीमा से परवीन कोहली जी आए, वहाँ पीछे दिखाई दे रहे यही पिथौरागढ़ के बगल के बुंगाचिना क्षेत्र के रहने वाले तमाम लोग यहाँ इसलिए आ रहे हैं कि सबका बहुत लगाव था चंदन रामदास जी से, उनकी हम भरपाई नहीं कर सकते, किसी प्रकार से भरपाई नहीं कर सकते। इसलिए ये चुनाव सच्चे मायने में ये हार जीत का चुनाव भी नहीं है, ये किसी व्यक्ति का चुनाव भी नहीं है, ये चुनाव है जो चंदन रामदास ने काम शुरू किए थे उन कामों को आगे बढ़ाने का चुनाव है, जो उनके सपने थे उन सपनों को पूरा करने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, यानी कि हर मामले में उत्तराखंड आगे होगा, हर मामले में उत्तराखंड का नाम सबसे आगे होगा, उस दशक को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव जो विकास यहाँ शुरू किए हैं बागेश्वर जनपद में शुरू हुए, बहुत सारे यहाँ के मामले, बहुत सारे विकास के कार्य हैं, उन सभी विकास के कार्यों को आगे बढ़ाने का चुनाव है। पुनः एक बार आप सब से मैं बहुत निवेदन करते हुए कि आप सबका आशीर्वाद, आप सबका मत पार्वती दास जी को मिलेगा और विकास का जो काम अनवरत रूप से यहाँ चला है और बाबा बागनाथ की भूमि को शिव की भूमि कहते हैं, शिव की नगरी, इस शिव की नगरी से पार्वती जी को आप सबका आशीर्वाद मिलेगा और पहले महिला के रूप में पूरे बागेश्वर जनपद को, बागेश्वर विधानसभा को यह अवसर मिल रहा है कि मातृशक्ति को पहली बार चुनने का उनके पास एक मौका आया है, एक अवसर आया है, उस अवसर को आप सब लोग दोनों हाथों से आगे बढ़ाने का काम करेंगे, यही निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।